भारत माता की, भारत माता की जय। गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। 2024 के चुनाव प्रचार की मेरी ये अंतिम सभा है। मैं मां चिंतपूर्णी, मां नैना देवी और गुरु गोविंद सिंह जी को सर झुकाकर नमन करता हूं। हमारे होशियारपुर को छोटी काशी कहा जाता है। ये गुरु रविदास जी की तपोभूमि है। और संयोग देखिए, काशी जहां से मैं सांसद हूं वहां गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। इसलिए होशियारपुर की इस पुण्य भूमि पर आज चुनाव अभियान का समापन होना मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य से कम नहीं है। भाइयों और बहनों, गुरु रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं भी पूरे ईमानदार मन से देश की सेवा में जुटा हुआ हूं और इसलिए जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं देश भर में जाकर के आया हूं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं, आज देश में उम्मीदें नहीं हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है, जुड़ गया है। और इसलिए हर देशवासी हमें आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और आज फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग
विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। और वीरों की इस धरती पंजाब से बेहतर कौन जानेगा कि दमदार होने का मतलब क्या होता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। इसलिए पंजाब भी इस बार जोर शोर से कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास है प्रसन्न। बीते 10 वर्षों में हमने गरीब से गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आज किसी भी गरीब, दलित, वंचित मां की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज गरीब महिला को अपनी बीमारी छिपाने की मजबूरी नहीं है। अब उसके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। साथियों, गुरु रविदास जी ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति के आधार पर समाज में कोई भेद न हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पास रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है। सभी को पक्का घर मिला, बिना भेदभाव सभी को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए मिला, बिना भेदभाव सभी को शौचालय मिला, बिना भेदभाव सभी को बिजली कनेक्शन मिला, बिना भेदभाव ऐसी योजनाओं ने गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है, यही सबका साथ सबका विकास
हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहू निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। काशी में उनके जन्म स्थान का विकास किया जा रहा है। काशी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां लंगर हॉल बना है, म्यूजियम बना है, पार्क बना है, मंदिर के आसपास सड़कें बनी है। कोशिश यही है कि आप लोग जब यहां से काशी आए तो आपको वहां परेशानी न हो। और इतना ही नहीं, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए जब भी आप काशी आए ना तो आप मेरे मेहमान हैं। और मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखता हूं। साथियों, काशी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग वहां जाते आते रहते हैं वो देखते होंगे, हर बार जाएंगे कुछ न कुछ गुरु रविदास जी के चरणों में हमने समर्पित किया है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के विशाल स्मारक का शिलान्यास का अवसर भी मुझे ही मिला था। वहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, हजारों गांवों की मिट्टी और देश की सैकड़ों नदियों के जल एकत्रित करके गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक मंदिर वहां बनाया जा रहा है।
भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में भी तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान है उसे और दिव्य बनाना भी ये हमारा संकल्प है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जमीन की विशेष मंजूरी भी ले ली गई है और आज जब मैं होशियारपुर आया हूं तो अपने मन की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया, जय श्री राम, 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और आपको खुशी होगी ये अयोध्या में प्रभु राम जन्म स्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो बना लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया, लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। इतना ही नहीं, हमने साहेबजादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया। और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिबद्धता केरल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, आसाम के बच्चे को भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चे को पता होना चाहिए, बंगाल के बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के द्वारा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वीर बाल दिवस की परंपरा शुरू की है। हमने हरमिंदर साहब के लंगर को टैक्स से मुक्त किया, विदेशी भक्त भी सेवा के लिए दान दे सके, इसके लिए हमने नियमों में छूट भी दी है। साथियों, विकसित होते भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की
स्वार्थ की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इनका वोट बैंक, जो वोट बैंक के प्रति उनका प्यार था कि बंटवारे के समय के हमारे करतारपुर साहिब पर भारत का अधिकार नहीं जता पाए, यही लोग हैं जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। अपनी तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन सीएए का भी विरोध कर रहा है। साथियों, आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला गौंड दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक है। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार
कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई इस बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था, तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए है। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे, ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी, लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है, यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर जूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर जूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर वन बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं
नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं। और मुझे याद है 2013-14 के चुनाव में यहां पंजाब में आकर के पूर्व सैनिकों के साथ छोटी छोटी अपनी मीटिंगें करके हवा फैलाते थे कि ओआरओपी कर दिया। कैसी बेईमानी की, जरा मैं पंजाब तो पूर्व सैनिकों की धरती है, हिमाचल पूर्व सैनिकों की धरती है, मैं जरा बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। मैंने 2013 में जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने रेवाड़ी में सबसे पहली पूर्व सैनिकों की रैली की। उस रैली में मैंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। तो ये घबरा गए, बोले मोदी ऐसी चीज लाया है कि मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में 500 करोड़ रुपया रख करके बोल दिया कि ओआरओपी लागू। ऐसा झूठ आप देखिए, जब मैंने इसको लागू किया 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा किए, 1.25 लाख करोड़ रुपया तब ओआरओपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे, यानी कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। भाइयों बहनों, मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मोदी के इस अभियान से इंडी वालों की काली कमाई के रास्ते बंद होते हैं, इसलिए ये मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और भाइयों बहनों, साफ है, सेना बनती है तो हमें हर चीज में ध्यान रखना होता है कि मुकाबला किससे करना है, लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने
सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी सात पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपका मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा, हर गरीब को, दलित को, पिछड़े को विकास की नई ऊंचाई देना चाहता है। आने वाले पांच साल मेरे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए, मेरे गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, हमारे नौजवानों को नए अवसर देने के लिए और हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट समय होने वाला है। आजादी के 75 साल में जैसा समय नहीं आया, वैसा समय आने वाले पांच साल में आने वाला है। और इसलिए चुनाव की मेरी आखिरी सभा में गुरु रविदास जी की पवित्र भूमि से, गुरुओं की पवित्र भूमि से, वीर बलिदानियों की पवित्र भूमि से मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए। और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। आपसे 1 जून को पंजाब की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया, मैं आपसे सहयोग मांगने आया। होशियारपुर से बहन अनीता सोम प्रकाश जी और आनंदपुर साहब से मेरे पुराने साथी कार्यकर्ता सुभाष शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, मुझे आपसे जवाब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे, गांव गांव कमल खिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं पूरी ताकत से बोलो तो बताऊंगा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे। देखिए, यहां से जाने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो भी देवस्थान हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर जाना और मोदी की तरफ से वहां माथा टेकना और हमें गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए, हमें हमारे परमात्मा से आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं मांगना है, आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं मांगना है, आशीर्वाद मांगना है विकसित पंजाब बनाने के लिए।
आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए। और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरा ये काम जरूर कीजिए, हर गुरुद्वारे पर जाकर के, हर देवस्थान पर जाकर के मेरी तरफ से मत्था जरूर टेकना। मेरे साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।